गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम किसके बारे में सीखने वाले हैं? शेप्स के बारे में। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई है, इसका शेप कौन सा अलग दिखाई दे रहा है? सर्कल। देखो अब व्हाट इज दिस, ये क्या है? बैंगल्स है ना, मम्मा हाथ में पहनती है ना, तो इसका शेप कौन सा है? सर्कल है ना। उसके बाद ये क्या है, व्हाट इज दिस? कॉइन। क्या है? कॉइन। पापा देते हैं, मम्मी भी देती है ना, तो इसका भी शेप कौन सा है? सर्कल। कौन सा है? सर्कल। अब देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये क्या है? बिंदी। मम्मा लगाती है ना अपने फॉरहेड पे बिंदी, तो इसका भी शेप कौन सा है? सर्कल है ना। कितना अच्छा लग रहा है, सर्कल। इसके बाद देखो ये भी है, तो इसका भी शेप कौन सा है? सर्कल। सारे सर्कल शेप के ही है ना, कितने अच्छे लग रहे हैं, वाव। देन व्हाट इज दिस, ये क्या है? रिंग। देखो इसका भी शेप कौन सा हो रहा है? सर्कल। देन ये क्या है, व्हाट इज दिस? प्लेट। मम्मा इसमें खाना देती है, लंच देती है, आप डिनर भी करते हो ना, इसका भी शेप कौन सा है? सर्कल। उसके बाद जब आप स्कूल में आते हो, प्रेयर होती है, तो प्रेयर में पता है टीचर ये यूज़ करती है, ऐसे बजाती है ना, इसका भी शेप कौन सा है? सर्कल है ना। देखो उसके बाद हम सर्कल का फ्लैश कार्ड देखते हैं। देखो सर्कल है ना, सर्कल ऐसे फिंगर से हम ड्रॉ कर रहे हैं, सर्कल हुआ ना। तो आज हमने कितने सारे सर्कल शेप देखे, तो आज हम एक स्केच बुक लो आप, और स्केच बुक में हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, और सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम ये वाले कलर यूज़ करेंगे। देखो ये कलर कितने अच्छे हैं, ये कलर जल्दी टूटेंगे नहीं, आपके हाथ के स्नायु हैं वो भी बहुत स्ट्रांग बनेंगे, और आप अच्छे से कर पाओगे। जैसे कि देखो ये मैं कर रही हूँ कलर, आपको आपके स्केचबुक में ऐसे है ना एक सर्कल ड्रॉ करना है। आप मॉर्निंग में उठते हो तो स्काई में क्या देखते हो, सन देखते हो ना, सन का भी शेप कौन सा होता है? सर्कल होता है ना, हाँ ना। उसके बाद जब आपको भूख लगती है तो मम्मी क्या बनाती है, रोटी बनाती है ना, रोटी का भी शेप कौन सा होता है? सर्कल। और आपको जब बहुत भूख लगती है तो मम्मी कई बार पापड़ भी देती है, तो पापड़ का भी शेप कौन सा होता है? सर्कल। देखो अब मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, तो अब मैं बॉर्डर पे है ना ऑरेंज कलर कर रही हूँ, ये ऑरेंज कलर हमें बॉर्डर पे करना है पर सबसे पहले, उसके बाद बीच में करना है। तो ऐसे करने से क्या होगा, कलर बाहर नहीं निकलेगा और बहुत अच्छा होगा। देखो बाहर निकल रहा है बिल्कुल नहीं, कितना अच्छा लग रहा है, हाँ ना। ऐसे स्लो 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 कलर करो, पहले बॉर्डर करनी है उसके बाद बीच में करना है। तो देखो हो गए टीचर का सर्कल, वाव कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला, निकला है बिल्कुल नहीं, वैसे ही आपको बहुत सारे सर्कल ड्रॉ करने हैं ऐसे ही घर पे। ओके बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे। ओके गुड बाय।